हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एट सरल साइकोलॉजी इस चैनल पर मैं आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट अपडेट्स देती हूँ चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो प्राइवेट जॉब से रिलेटेड हो या फिर इंटर्नशिप से रिलेटेड हो रिसेंटली मैंने यहाँ पर तिहाड़ जेल से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है जिसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हैं विदाउट एनी फी ठीक है ये साइकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप है तो आप इसको ज़रूर देखिएगा ठीक है Uh, एक चीज़ मेरे को यहाँ पर ये यह बतानी है अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ लेनी है या नोट्स लेने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपना कोई क्वेरी पूछना है तो आप मुझसे इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हैं uh, और मेक श्योर sure कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो और साथ में बेलाइकन को प्रेस कर लिया हो ताकि आपको सारे जो अपडेट्स हैं वो टाइमली मिलते रहें ठीक है दैट्स uh, इट और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर में डेली गवर्नमेंट के थ्रू एक फेलोशिप निकली है उस फेलोशिप के बारे में हम बात करेंगे ठीक है सो uh, so, uh, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, अभी हम हैं uh, ये पीडीएफ आपके सामने खुला हुआ है दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर ठीक है डीएआरएसी का फेलोशिप है ये ठीक है इसकी डिटेल्स के बारे में जानेंगे तो ये फेलोशिप का एम क्या है तो इस फेलोशिप का एम जो है वो है रिपोजिटरी और वैल्यू रिसर्च करना ठीक है डिफरेंट फील्ड में आपको रिसर्च करना होगा ठीक है क्वालिटी रिसर्च आपको प्रोवाइड करानी होगी इन्हें ठीक है लेजिसलेटर को ठीक है जिस तरीके से जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी मेंबर्स होते हैं मिनिस्टर्स होते हैं आपको उनके अंडर में काम करना होगा और उन्होंने उन्हें क्वालिटी रिसर्च देनी होगी ठीक है इम्प्रूव करना होगा इसमें आपका भी बेनिफिट है और उनका भी आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा और आपको एक आ, किस तरीके से रिसर्च कंडक्ट कराई जाती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशंस भी आपको आ, एक गाइडेंस मिल जाएगी और उनका भी हेल्प हो जाएगा इस फेलोशिप के थ्रू तो यहाँ पर आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी है ठीक है लेजिसलेचर्स के साथ गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ आपको प्रैक्टिस करना है और आपको जैसे लॉ और पॉलिसीज़ के ऊपर रिसर्च करना होगा ठीक है फील्ड वर्क में जाके आपको रिसर्च करना होगा ठीक है आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके आपको वहाँ से रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी होंगी और मटेरियल कलेक्ट करना होगा ठीक है किस तरीके का अगर कोई पॉलिसी है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा उस चीज़ का डाटा आपको कलेक्ट करना होगा ठीक है इसमें वो क्या चाहते हैं इस रिसर्च का कि वो इन्वॉल्व करें यूथ को ठीक है वेरियस फील्ड्स में अगर गवर्नमेंट गवर्नेंस की कोई फील्ड है ठीक है जैसे आग आप अगर जैसे कोई गवर्नमेंट uh, एम्प्लॉय बनना चाहते हैं या फिर इस तरीके से आपको जो बेनिफिट uh, मिल सके एज एन एक्सपीरियंस ठीक है तो आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स का ठीक है इन्वॉल्व करना एम है उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ठीक है लेजिस्लेचर के जो भी डिसीजनस होते हैं उनमें जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वो भी एक तरीके से हेल्प करेंगे ठीक है और यूथ का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो ठीक है इस इसलिए ये जो फेलोशिप है वो कराई जा रही है नेक्स्ट जो चीज़ है कि फ़्रेश माइंड्स को ठीक है फ्रेश थॉट्स को ओपिनियंस को इनोवेटिवनेस को मींस आप वहाँ पर इन्वॉल्व होंगे तो आप अपने भी आइडियाज़ देंगे आप रिसर्च uh, जो करेंगे उसमें अपना जो बेटरमेंट किस तरीके से किया जाता है अपना भी माइंड लगाएंगे तो uh, उन्हें कुछ फ्रेश आइडियाज़ मिलेंगे ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट है ठीक है जो पॉलिसीज़ होती हैं वो एक ही क्राइटेरिया पर बेस्ड नहीं होती किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर नहीं होती हैं तो पॉलिसीज़ डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है कुछ एजुकेशन पॉलिसीज़ होती हैं कुछ लाइक uh, पॉवर्टी like को कैसे कम किया जा सकता है उसके ऊपर पॉलिसीज़ लेके आती है गवर्नमेंट तो इस तरीके की डिफरेंट फील्ड्स में आपको काम करने का मौका मिलेगा है कि से क्या किया जाता है, ठीक है? इस इंटर्नशिप में वो आपसे क्या चाहते हैं तो आपका क्लियर इंटरेस्ट होना चाहिए पब्लिक सर्विसेज के लिए और आप अच्छे से पब्लिक को डील करने आपको आना चाहिए आपका कमिटमेंट होना चाहिए पब्लिक सर्विस में आपका कमिटमेंट होना चाहिए ये नहीं कि आपने फेलोशिप ले ली फेलोशिप कर रहे हो आप लेकिन आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको पूरा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप काम करने में इंटरेस्टेड हो आपको क्लोज कोऑर्डिनेशन करना होगा थ्रू एम uh, के साथ और अदर ऑफिसर्स अथॉरिटीज़ के साथ कि आप उनके साथ इन्वॉल्व होकर उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा पूरी तरीके से ठीक है रिस्पांसिबल uh, होगे आप कंडक्शन में रिसर्च की ठीक है रिसर्च आपको कंडक्ट करानी पड़ेगी प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट करना होगा आपको ठीक है तो इस तरीके का काम वो आपसे चाहते हैं दूसरी चीज़ जो भी आप यहाँ पर सीखोगे ठीक है जिस भी तरीके की असाइनमेंट्स या रिसर्च आप करोगे एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि उस डाटा को आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते ठीक है आप पर्टिकुलर एक ही जगह मतलब अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो वहाँ यहाँ का डाटा जो आपको यहाँ से कलेक्ट करोगे डाटा उसे कहीं और यूज़ नहीं कर सकते मीन्स अगर आप अपनी भी रिसर्च कर रहे हो तो आप उसको वहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते डाटा को लीक नहीं कर सकते ठीक है डिफरेंट वर्कस आपसे कराए जाएंगे डिफरेंट फील्ड में आपको काम कराया जाएगा ठीक है और बहुत सारा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा इस फेलोशिप से नेक्स्ट uh, चीज़ जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ठीक है uh, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के थ्रू आपको उनसे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा डिसीजन मेकिंग में आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो आएगी ठीक है अब इसमें हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन जो है फेलोज़ का वो कैसे होगा फर्स्ट स्टेज क्या है स्क्रीनिंग वो होगी ठीक है उसमें क्या करोगे आप पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसमें वो आपको शॉर्ट करेंगे कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है और उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू जो होगा आपका वो भी आ, ऐसा नहीं है कि इजी होगा वो आपसे प्रेजेंटेशंस लेंगे ठीक है उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा तो पहले राउंड में वो आपको ठीक है जैसे यहाँ पे लिखा है कि फ़र्स्ट राउंड में वो आपको आपके एप्लीकेशन के बेस पे आ, स, आ, मतलब शॉर्ट लिस्ट करेंगे आपकी क्वालिफिकेशंस देख के प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी क्या हैं ठीक है क्रेडिबिलिटी क्या है कहाँ कहाँ आपने काम किया है आ, या फिर आ, फ्रेशर हो आप ठीक है आपका वर्क एक्सपीरियंस सभी चीज़ें वो नोटिस करेंगे और उसके बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए आपको मेल करेंगे ठीक है तो आप पर्सनल जो इंटरव्यू आपका होगा फाइनल राउंड जो आपका इंटरव्यू का होगा उसमें फ़ेस टू फेस इंटरव्यू होगा विद पैनल ठीक है एक्सपर्ट्स के साथ आपका इंटरव्यू होगा और या फिर आपके जो सिविल सोसाइटी है ऑफिसर्स हैं जो आई एस ऑफिसर्स वग़ैरह हो होते हैं वो आपका इंटरव्यू ले सकते हैं या तो फ़ेस टू फ़ेस या फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आपका आ, जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट करा सकते हैं ठीक है सो ये था आपका इंटरव्यू तक का सिलेक्शन प्रो, प्रोसीजर जो कि आपको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा उसके बारे में पूरी बात थी अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया uh, में आपकी जो एज है वो ट्वेंटी वन से थर्टी फाइव के बीच में होनी चाहिए ठीक है आपकी एज जो है इक्कीस से पैंतीस साल के बीच में होनी चाहिए इससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन्स में uh, यहाँ पर जो दिया हुआ है डॉक्टरेट हो आपके पास या पी हो विद वन ईयर फुल फुल टाइम एक्सपीरियंस ठीक है अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स ठीक है Uh, और अगर आपके और टू ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस ठीक है अगर आपके पास पी है तो आपके पास वन ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है अगर आपके पास पी नहीं है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद आपके पास टू ईयर का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है और जो प्रोफेशनल्स uh, हैं जैसे कि एम किया है आपने या एल किया है तो आपको फाइव ईयर का मिनिमम आपका जो ड्यूरेशन है वो कम्प्लीट हुआ होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट uh, अगर आपके पास आप पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आप प्रोफेशनल हो चार्टेड अकाउंटेंट या आर्किटेक्ट किसी कंपनी सेक्रेटरीट में काम करते हो तो उसमें भी आपको टू ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस साथ में चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास ये भी नहीं है तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है अगर आप ग्रेजुएट हो सिर्फ़ ठीक है अगर आप सिर्फ़ ग्रेजुएट भी हो ठीक है उसमें भी आपको फोर ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए ठीक है इस फोर ईयर के एक्सपीरियंस को हटा दिया गया है वन ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो ठीक है फ़ोर ईयर का है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है तो वन ईयर का भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो क्वालिफ़िकेशन फ़ॉर एसोसिएट फेलोज़ यहाँ पर एक चीज़ मेरे को यहाँ पे ये यह बतानी कि ये जो फेलोशिप uh, है उसमें रिसर्च फेलोज़ के लिए भी है और एसोसिएट फेलोज़ के लिए भी है ठीक है तो यहाँ पर जो रिसर्च uh, में जो वैकेंसीज़ हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन uh, में प्रोवाइड करा दूँगी या फिर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इतनी इतनी वैकेंसीज हैं ठीक है जैसे ग्यारह बीस और सात की जो वैकेंसीज हैं ठीक है इस तरीके से वैकेंसी uh, पूरी है ग्यारह एसोसिएट के लिए और इस तरीके से पार्टीशन करके वो आपको डिटेल प्रोवाइड करा देंगे बाद में बट थर्टी टू थर्टी फाइव आपकी टोटल वैकेंसीज है यहाँ पे ठीक है एसोसिएट फेलो के लिए ठीक है क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए एसोसिएट फेलो के लिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए ठीक है विद फाइव ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस मिनिमम uh, होना चाहिए ठीक है और प्रोफेशनल अगर आप हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हैं तो आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए ठीक है और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास ठीक है फिफ्टी परसेंट मार्क्स के आप से आपकी डिग्री होनी चाहिए और विद मिनिमम वन ईयर का आपके पास फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए अगर आप एसोसिएट फेलो में जा रहे हैं ठीक है एसोसिएट फेलो के लिए अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएश अगर आप एसोसिएट फेलो मीडिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में आपके पास डिग्री होनी चाहिए ठीक है इस तरीके से आप पीडीएफ को पूरा पढ़ सकते हैं डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आप देख सकते हैं कि वर्क रिसर्च एक्सपीरियंस और रिसर्च के फील्ड में आपने काम किया हुआ हो ये डिज़ायरेबल्स हैं अगर फुलफ़िल करते हो तो ठीक है नहीं करते हो तो भी अप्लाई कर सकते हो ठीक है लीडरशिप का रोल होना चाहिए एक्सीलेंस होनी चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलम सब गुड ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशंस ये सब आपके पास होना चाहिए जो टेन्योर है आपका इंटर्नशिप का वो है टू इयर्स का ठीक है वन ईयर का आपका टेन्योर है और जो एक्सटेंड कर दिया जाएगा ठीक है फर्दर आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ठीक है अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपकी टोटल कितनी आ, मतलब जो फील्ड्स हैं आप उसमें मतलब अप्लाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें आपको काम करने का मौका मिल सकता है जैसे आर्ट एंड कल्चर स्पोर्ट्स टूरिज्म एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एनवायरमेंट फाइनेंस एंड टैक्सेस हेल्थ सेक्टर ह्यूमन रिसोर्स रिफॉर्म्स गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंफॉर्मेटिव टेक्नो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ लॉ एंड पब्लिक सेफ्टी बहुत सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे ठीक है आपके कोर्सेज़ आप इसको रीड कर सकते हैं ठीक है रोल ऑफ फेलो फेलो का क्या रोल है कि डेली असम्बली टू लोकेट वेराइटी ऑफ रोल्स फॉर फेलो एंड एसोसिएट फेलोज बहुत सारी मीन्स uh, आपको जो पॉलिसीज हैं उनमें काम करना होगा आपको बहुत सारा वेरिएशन देखने को यहाँ पे मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर हम देखेंगे रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है कि जैसे आप ऑनरले ऑनरेबल स्पीकर मेम्बर्स और चेयरपर्सन के साथ जो होम कमेट हाउस कमेटीज हैं और दिल्ली के जो लेजिस्लेचर में जितनी भी कमेटीज़ आती हैं उनके अंडर में आपको काम करने का मौका मिलेगा जो कि आप डायरेक्टली उनसे इन कंक्लूडिड रहेंगे आप डायरेक्टली उनसे मिले रहेंगे ठीक है और वो जो आपको टास्क प्रोवाइड uh, कराएंगे आपको वो टास्क करने होंगे ठीक है आपका जो परफॉर्मेंस रिव्यू है ठीक है आपका जो एंड ऑफ वन फर्स्ट ईयर का जो आपका अगर मान लीजिए आपकी एक मंथ ईयर uh, की रहती है फेलोशिप तो उसके एंड में आपको एक परफॉर्मेंस की आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके की रही उसका एक रिव्यू भी मिलेगा और आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा कि आपने इतने टाइम तक के लिए अपनी जो इंटर्नशिप uh, या फेलोशिप आपकी जो कह सकते हो उसको कंप्लीट uh, किया है प्रोग्राम्स के जो मेंटर होंगे वो ऑनरेबल स्पीकर रहेंगे एडवाइज़र रहेंगे टू द होम टू ऑनरेबल स्पीकर और सेक्रेटरी दिल्ली असेंबली के ठीक है ये सब आपके मेन्टोर्स uh, रहेंगे जो आपको बताएंगे टाइमली ठीक है फीडबैक और परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको मिलेगा वहाँ से क्यों आपको uh, एक हेल्प हो सके अपने एक्सपीरियंस को लेने में और आप भी उसे कहीं शो करके अपनी अच्छी पोस्ट पे पोजीशंस uh, पे जा सकते एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप पहले अगर आप इंटर्न फेलोशिप को छोड़ना चाहते हैं या अपना रिजाइन देना चाहते हैं तो आपको वन मंथ पहले बताना पड़ेगा ठीक है द, 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 अपना टर्मिनेशन करवाना चाहते हैं ठीक है एक साल से पहले ही हटना चाहते हैं तो आपको एक महीने पहले बताना पड़ेगा उनको ठीक है और नेक्स्ट चीज़ ये है कि स्टाइपेंड कितना मिलेगा तो स्टाइपेंड और जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको क्या क्या मिलेंगी तो आपको वन लाख रुपीज़ पर मंथ मिलेगा ठीक है फॉर द फेलो फेलो के लिए है ये ठीक है वन लाख रुपीज़ पर मंथ आप जो मिनिस्टर्स हैं उनके अंडर में काम कर रहे हो तो इतना तो आपको मिलेगा कि स्टाइपेंड आपका वन लाख रुपीस होगा ठीक है और आपको जो एसोसिएट फेलो है एसोसिएट फेलो के लिए आपको मिलेगा सिक्सटी थाउजेंड पर मंथ तो अच्छा अमाउंट है स्टाइपेंड का भी ठीक है तो आपको ज़रूर इसमें अप्लाई करना चाहिए अभी मैं थोड़ी देर में आपको डेट्स बताऊंगी कि किस डेट को आपको मतलब लास्ट डेट आपकी क्या है इसके लिए ठीक है सो जो आपको स्टाइपेंड है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है वन लाख रुपीज़ फॉर द फेलो एंड सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ फॉर द एसोसिएट फैलो ठीक है एक चीज़ मेरे को यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट ये बतानी है कि आपको जो लीव वग़ैरह मिलेगी और जो uh, जैसे आपको कोई हॉलीडे चाहिए तो आपको पहले से बताना होगा और प्रायर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और अर्जेंट सिचुएशन कोई आ जाती है लेजिस्लेचर में या आपको uh, कि आपको वो छुट्टी नहीं दे सकते तो वो आपकी छुट्टी कैंसिल भी कर सकते हैं अगर वो आपको छुट्टी देना चाहेंगे तो ही आपको छुट्टी देंगे वरना नहीं देंगे एक चीज़ मेरे को यहाँ पर ये बतानी है कि आपको जो भी कॉपी का जो इशू मैंने आपको पहले ही बताया था ठीक है वो आपको आप पे ब्लेम नहीं लगना चाहिए ठीक है कि आपने कॉपी किया है जैसे कि अगर आप कोई अपनी रिसर्च अपनी रिसर्च भी कर रहे हैं साथ में आप यहाँ पर लगे हुए हैं ठीक है डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ का डाटा आप बाहर लीक नहीं कर सकते ठीक है आपको कोई भी राइट्स नहीं है कि आप यहाँ से डाटा ले जाके आप किसी और इन्फॉर्मेशन में लगाओ या किसी और अथॉरिटी से शेयर करो ठीक है सो तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि ऑल रिसर्च पेपर्स जो भी आप रिसर्च यहाँ पर करोगे ठीक है वो आप जो है इन्फॉर्मेशन नो इन्फॉर्मेशन और डाटा कलेक्टेड प्रिपेयर्ड बाय दी फेलोज़ आपके थ्रू जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है वो किसी भी आउटसाइड की अथॉरिटीज़ के साथ आप शेयर नहीं कर सकते ठीक है तो ये क्लियरली इन्होंने यहाँ पे दे दिया है अगर आपने ऐसा कुछ किया भी तो वो एक्शन भी ले सकते हैं सो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा सो uh, so ये आपकी uh, सभी इंफॉर्मेशन आई थिंक मैंने आपको दे दी है ठीक है यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि आपको किस तरीके से एनरोल होना है और आपको क्या क्या वर्क करना पड़ेगा एच आर इशूज़ डायग्नोस्टिक स्टडी कवरिंग गैप एनालिसिस इस तरीके की चीज़ें और लोकल प्रॉब्लम्स और इश्यूज के साथ डील करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट्स को कि प्रोजेक्ट उनके पॉलिसीज़ किस तरीके से वर्क करें हैं या नहीं करे सभी चीज़ों का डाटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा और आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा एन के साथ ठीक है इन्वॉल्व रहना पड़ेगा अथॉरिटीज़ के साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि आपको डाटा कलेक्ट करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना आए ठीक है तो ये पूरा पी मैंने आपके साथ शेयर किया है और एंड में आपको जो एनुअल परफॉर्मेंस वो देंगे जो आपको सर्टिफिकेट जो अप्रेजल का बना के देंगे वो इस फॉर्मेट में होगा ठीक है पर्टिकुलर फॉर्मेट में देंगे आपको ठीक है तो इस तरीके का पूरा आपका जो वो स्कोर कार्ड टाइप बना के देंगे तो वो इस फॉर्मेट में होगा ठीक है दैट्स इट यहाँ पर हमारा पी ख़त्म होता है जो आपकी लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की वो लास्ट डेट है फिफ्टींथ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इस की जो लास्ट डेट थी वैसे तो एट्थ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थी लेकिन इस चीज़ को एक्सटेंड कर दिया गया डेट को एक्सटेंड कर दिया गया तो आप जाकर जल्दी से अपना जो फॉर्म है उसको फिल करिए ठीक है आ, नेक्स्ट ये जो चीज़ आ, मैं आपको भी बता देती हूँ कि आपको फिल कैसे करना है अप्लीकेशन कि जो साइट है जहाँ से आप अप्लाई करोगे ठीक है वो साइट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी आप वहाँ से डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट मैं आपको ये बता देती हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है ठीक है सो so, जैसे कि आप देख रहे हो साइट पर ठीक है ये है दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर फेलोशिप प्रोग्राम की जो साइट बनाई है इन्होंने ठीक है इस पर्टिकुलर साइट पे आपको आना है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी ठीक है और आप खुद से भी जा सकते हो इस पर ठीक है डब्ल्यू पर ठीक है आपको यहाँ पर जाके सारी एडवर्टीज़मेंट मिल जाएगी पी डी मिल जाएंगे ठीक है पी अगर आपको नहीं भी मिलती है तो मैं Uh, टेलीग्राम पर डाल दूंगी वहाँ से आप देख लेना ठीक है यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी ठीक है अब आपको अप्लाई कहाँ से करना है तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है पर्टिकुलर अप्लाई नाउ का ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑप्शन पर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना ठीक है और यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ठीक है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पूरा जो एप्लीकेशन है उसमें आपको सारी डिटेल्स कि आपका क्वालिफिकेशंस क्या है क्या एक्सपीरियंस लिया है क्या नहीं लिया है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी लास्ट डेट जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर दिया हुआ है फ़िफ्टीनथ जनवरी 2022 तो ये आपका लास्ट डेट है मेक श्योर sure कि इससे पहले पहले आप अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करा दें लास्ट डेट का वेट मत करना क्योंकि ट्रैफिक बढ़ सकता है साइट पर तो हो सकता है आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाए ठीक है तो उससे पहले पहले कोशिश करना कि आप यहाँ पर अप्लाई कर लो ठीक है दैट्स इट यही इन्फॉर्मेशन थी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना कमेंट ज़रूर करना इससे वीडियो पर एंगेजमेंट इंक्रीज होता है और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना दैट्स इट थैंक यू सो मच